हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे DRDO CPTM भर्ती, जी हाँ दोस्तों, 2019 के रिजल्ट के अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एवरी डे जो है आप लोगों का एक ही क्वेश्चन है, पर डे का एक ही क्वेश्चन है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। और दोस्तों, हम कोशिश करते हैं आपके लिए पर डे जो है कुछ भी जो नया नोटिफिकेशन आए, कहीं भी किसी वेबसाइट पर कुछ अपडेट आती है तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन के जो है आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज के भी इस डेट जो वीडियो में आपको बताने वाले हैं रिज़ल्ट कब आएगा, जी हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड क्या है, क्या कब तक रिज़ल्ट जो है आ जाएगा, कि अभी और समय लगेगा या फिर काफ़ी लंबा समय है। कुछ लोगों का कहना है कि जो इसमें कुछ धांधली हो रही है, इसके वजह से इसके रिज़ल्ट में देरी है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो हम उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन का जो वीडियो है आपके लिए लेकर आते हैं स्मार्ट नौकरी चैनल पर। और यहाँ पर हम आपको देते हैं स्टडी मटेरियल, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, कैसे आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलते हैं वेल एजुकेटेड टीचर्स एंड प्रोफेसर्स, और दोस्तों वो जो खुद अपना 2 से 3 बार जो एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं उनका अनुभव जो है वो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही बड़े मायने रखने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, DRDO CPTM जो टेक्नीशियन का जो 300 जो पोस्ट है, 351 पोस्ट का, उसका जो है रिजल्ट कब तक आएगा और उसका आंसर की को लेकर क्या अपडेट है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहली चीज़ ये बता दूं कि अभी तक किसी भी वेबसाइट पर जो किसी भी आर्टिकल के थ्रू में अगर आपने देखा होगा तो आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि अभी भी जो है दिसंबर तक जो है इसका एक्सपेक्टेड है, इसका आंसर की जो है दिसंबर के एंड तक जो है आने की संभावना बताई जा रही है कि टेक्नीशियन का जो आंसर की है वो दिसंबर के अंत तक आ सकता है। और अभी भी आपके पास जो है 7 दिन का समय बचा हुआ है, तो ये 7 दिन के अंदर अभी तक जो एक्सपेक्टेड है कि इसका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आंसर की इस महीने के अंत तक आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर इसके बाद इसका आंसर की कब आएगा, तो फिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। जी हाँ, जिसका अभी तक आंसर की नहीं आया तो उसका रिज़ल्ट को लेके क्या चर्चा है। तो दोस्तों, जहाँ तक अभी तक का जो अपडेट है वो किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो कहीं से भी अगर आप गूगल पे सर्च भी करते हैं तो आपके पास एक ही जो अपडेट आएगी वो ये है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो 15 जनवरी तक का जो है टाइम दिया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है 15 जनवरी तक जो है आपको टेक्नीशियन का, जी हाँ दोस्तों, टेक्नीशियन वालों का जो है रिज़ल्ट जो है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से जो है इसका चेक कर सकते हैं। तो 15 जनवरी का जो है एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है जो DRDO CPTM टेक्नीशियन वाले हैं उनका रिज़ल्ट जो है अपडेट होगा। तो दोस्तों, जो रिज़ल्ट को लेकर आपका क्वेरीज था तो वो ये है। और 15 जनवरी जो है दोस्तों, अगर 15 जनवरी तक नहीं आता तो उसके बाद का जो है दोस्तों अपडेट जो भी आएगा वो बताया जाएगा। फिलहाल जो दोस्तों काफ़ी लोगों का ये है कि जो रूमर्स आपने सुना होगा कि सर इसमें काफ़ी धांधली है, मैंने लाइव जो स्ट्रीमिंग किया था उसमें भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि सर जो है इसमें धांधली हो रही है, इसके वजह से जो है इसका रिज़ल्ट आने में जो है प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ वगैरह वगैरह हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो है ऑफिशियल अगर देखा जाए तो इस प्रकार की कोई भी चर्चा अभी तक नहीं है। और जो ये धांधली की बात चल रही है मार्केट में, यानी जो भी आप लोग सुन रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, अभी फ़िलहाल तक उस पर कोई भी रोशनी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जो है अभी तक जो है ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है, किसी ने भी कोई भी किसी प्रकार का जो है प्रूफ नहीं दिया है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो सिर्फ ये अफवाह है, इस पर ध्यान मत दीजिए जब तक कि कुछ आपने अपने आँखों से या फिर कोई प्रूफ ना देखा हो। तो दोस्तों, अभी जो है रिज़ल्ट को लेकर सिर्फ यही है कि रिज़ल्ट जो है आपका 15 जनवरी के आसपास तक जो है अपडेट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी क्वेश्चन आपका हो इससे रिलेटेड तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।